हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं महाजनपद काल से बनने वाले टॉप 55 एमसीक्यू क्वेश्चन को। दोस्तों, आप चाहे रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के, या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की, इस वीडियो को आप एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि महाजनपद काल से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में दिखाई देते हैं और यहाँ हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन और स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दो सूची दी हैं, जिसमें पहले में जनपद हैं और उनकी राजधानियां हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर और आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए, मिलाते हैं। ए पर है आपका गंधार, ठीक है। इसकी राजधानी थी दोस्तों तक्षशिला, ठीक है। गंधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। फिर है सूरसेन, महाजनपद सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। फिर है बत्स, बत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। और आखिरी में है आपका कौशल, कौशल की राजधानी थी दोस्तों श्रावस्ती, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। इन क्वेश्चन को एग्जामिनर सिंगल फॉर्म में भी रखता है कभी कभी, जैसे कि कौशल की राजधानी क्या थी, सूरसेन की राजधानी क्या थी, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के शासक को कुड़िक कहा जाता था। क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? सही आंसर इसका अजात शत्रु। ध्यान रखिएगा, हर एक वंश के शासक को कुड़िक कहा जाता था, तो कुड़िक कहते थे दोस्तों अजात शत्रु को। क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? सही आंसर इसका उदयन। क्या है इसका सही आंसर? उदयन। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। सही आंसर है कालाशोक, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कालाशोक, इसको काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो ये हुई थी बेबीलोन में। कहाँ पर? बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस, जिसको पुरु भी कहते थे, कि सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? क्वेश्चन है, सिकंदर महान ने और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? सही आंसर इसका झेलम। किस नदी पर? झेलम नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का मृद भांडा यानी कि पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? राइट आंसर इसका उत्तरी काले पॉलिश कृत बर्तन। उत्तरी काले पॉलिश, देखिए पॉलिश कह लीजिए, पॉलिश सही है, पॉलिश कृत बर्तन। क्वेश्चन है, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? देखिए, क्वेश्चन आरआरबी में ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भोजक या फिर ग्राम भोजक। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम था? असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और एमपीपीसी में क्वेश्चन रिपीट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो इसको बोला जाता था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है आपका महापद्मानंद। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्नीशियन के साथ साथ यूके पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये।
नेक्स्ट है ग्रीक यानी कि यूनानी लेखकों द्वारा किसे अर्ग मीज या फिर जेंट्रा मीज कहा गया है। ग्रीक यूनानी लेखकों के द्वारा किसे अग्र मीज या फिर जेंडर मीज कहा गया है। राइट आंसर इसका घनानंद को। किसको? घनानंद को। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए, ईरानियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपियन आक्रमण किनके द्वारा किया गया। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और एवं पहला यूरोपियन आक्रमण किनके द्वारा किया गया। राइट आंसर है आपका यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। ईरान के हक मनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। क्वेश्चन देखिए इम्पोर्टेंट है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेरियस या फिर दराय बाहू फर्स्ट। हाइडेस्पीस या बितस्ता, जिसको आधुनिक झेलम नदी भी कहते हैं, बितस्ता का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, हाइडेस्पीस का युद्ध या फिर इसको बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, कब हुआ था? सन याद रखेगा 326 बीसी में। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था दोस्तों। हाइडे स्पेस भी कहते हैं इसको, हाइडे स्पीस भी लिखा मिलेगा आपको एग्जाम में। तो ये हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये एग्जाम के लिए। सही आंसर है 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको, देखिए सूची एक में आपको दिया गया है शासक दिए गए हैं और सूची दो में है इनके वंश, आपको इनको मिलाना है कि कौन सा शासक किस वंश का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है ये चारों के चारों। देखिये तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अब हम इसको मिला के देखते हैं दोस्तों, ठीक है, जिससे कि आपको ये याद हो जाए। देखिए पहले नाम है यहां पर बिंबिसार, ये आपका हर्यक वंश का शासक। अगला क्वेश्चन है कालाशोक, कालाशोक है शिशुनाग वंश का शासक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर है महापद्मानंद, ये आपका नंद वंश का शासक। इसके बाद है बिंदुसार, ये है आपका मौर्य वंश का शासक। ध्यान रखिएगा चारों ही नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहां पर सूची एक में दिया है आपको महाजनपद और दूसरी सूची में बताया गया है कि ये किस आधुनिक क्षेत्र में अब हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पढ़ के, वीडियो को रोक कर इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, सही आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए ए पर है आपका मगध, महाजनपद मगध, आधुनिक क्षेत्र है ये पटना एवं गया के जिले में। बस ये है दोस्तों, ऑप्शन दो से मिलेगा, इलाहाबाद का आधुनिक क्षेत्र है। इसके बाद है आपका, इसके बाद है दोस्तों कौशल। ठीक है, कौशल ये है आपका आधुनिक क्षेत्र, किस क्षेत्र में? अवध में। फिर है अवंती, अवंती महाजनपद अवंती, इसका संबंध है आधुनिक क्षेत्र के मालवा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है ये, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, गिरिब्रज या फिर राजगृह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। सही आंसर है घनानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन बी,
छठी सदी ईसा पूर्व में, ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं ये। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, देखिए आप कारण पढ़ सकते हैं और उसका आंसर लगा सकते हैं वीडियो को रोककर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है ये, वीडियो को रोकिए और इसको पढ़िए उसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, सिकंदर की भारत में सफलता के कारण क्या थे। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, ठीक है, यानी कि ये चारों के चारों ही कारण भारत में सिकंदर की सफलता के कारण बने हैं, ठीक है। तो चलिए इनको देख लेते हैं एक बार, याद हो जाएंगे जिससे आपको। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ठीक है, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, यानी कि सिकंदर की, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था, यही सफलता के कारण है सिकंदर के, कहां, भारत में। देखिए यहां पर सूची एक में राजा हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं, वीडियो को आप रोकिए और इनको पढ़कर इनका आंसर लगाइए जिससे कि आपको उनका अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, कुछ तो याद होगा दोस्तों। यदि दो भी सही लगा लिया आपने तो दो याद होंगे, गलती करने पर पूरा आपको क्वेश्चन ये याद हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, सही आंसर इसका ऑप्शन सी, ठीक है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो देखिए ए पर है प्रघोत, इनका संबंध है अवंती राज्य से, ठीक है। अगला नाम है उदयन, उदयन का संबंध है दोस्तों, उदयन, उदयन का संबंध है बत्स राज्य से, यानी कि दो नंबर पे आएगा इनका नाम। फिर है प्रसेनजीत, प्रसेनजीत इनका संबंध है कौशल राज्य से। इसके बाद है राजा अजात शत्रु, इनका संबंध है मगध राज्य से। अविलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, अविलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, सही आंसर इसका ऑप्शन सी, कलिंग में। देखिए यूपी पीसीएस में दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो ये था डेरियस, क्या नाम था, डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज के साथ युद्ध रहा, मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज के साथ युद्ध रहा, सही आंसर है ऑप्शन ए बज्जी संघ, यानी कि वैशाली। बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने पहली बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अब ये शब्द आपको एग्जाम में मिल जाएंगे भैया, रथ मूसल या फिर महाशिला कंटक, क्या मतलब इनका, पत्थर फेंकने वाला एक यंत्र है और रथ मूसल है एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, सही आंसर है ऑप्शन ए अजात शत्रु, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो सही आंसर है घनानंद, घनानंद ये नंद वंश का अंतिम सम्राट था। क्वेश्चन 31 है, भारत में सिक्कों अथवा मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, क्वेश्चन है भारत में सिक्कों अथवा मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, सही आंसर है 600 ईसा पूर्व में, कब, 600 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, देखिए यहां पर राजा दिए हैं आपको, इनका नाम है, पहला है अजात शत्रु, फिर है बिंदुसार, इसके बाद है प्रसेनजीत, और कह रहा है इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे, आप अच्छे से पढ़िए इनको, देखिए और फिर आंसर लगाइए वीडियो को रोककर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी में क्या क्या आया, पहला और तीसरा, यानी कि अजात शत्रु और प्रसेनजीत, ये दोनों ही बुद्ध यानी कि भगवान बुद्ध के समकालीन थे। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, क्वेश्चन है छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ये था आपका छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का कारण। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, अब देखते हैं 34, मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राज वैद्य जीवक को
किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? सही आंसर है अवंती। क्या आंसर है इसका सही? अवंती के राजा के लिए। किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना दिया? क्वेश्चन नंबर 35 है, किस राजा शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना दिया? सही आंसर है शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? सही आंसर इसका बिंबसार। क्या है इसका सही आंसर? बिंबसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो राइट आंसर इसका काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? सही आंसर है अजात शत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? देखिए कथन दिए हुए हैं, कह रहा है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है। आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक कर और आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूं, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। पुराणों एवं महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना बृहदरथ ने की, सही नहीं है। महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रतक एवं इकराट की उपाधि धारण की, सही नहीं है। ये भी गिरिव्रज राजगृह पाटलिपुत्र और वैशाली क्रमशः इसकी चार राजधानियां बनी, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? क्वेश्चन आपके सामने है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? सही आंसर है नंद वंश। कौन सा वंश था ये? नंद वंश। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ये था मगध। ठीक है, देखिए दोनों ही क्वेश्चन 40 नंबर और 41 दोनों ही यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी में पूछे गए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? निम्न में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? देखिए इसको पढ़िए, वीडियो को रोककर और आंसर लगाइए, जिससे कि आपको यहां पर अच्छे से याद हो जाएगी क्वेश्चन। ठीक है, फिलहाल चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सही है क्रम। तो देखिए, करोष्टी लिपि का प्रचार, फिर है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, इसके बाद है ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, फिर है घंटा आकार के गुम्बज की कला का प्रचार, फिर है स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? वीडियो को रोकिए, पढ़िए, बड़े बड़े ऑप्शन हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं वीडियो को रोककर पढ़िए इनको। चलिए आंसर बताता हूं इसका, सही आंसर है ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान का रियासत बनाया। उसने यानी कि सिकंदर की बात कर रहा है, भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये प्रभाव में नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, मगध में। कहां? मगध में। निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? सही आंसर है इसका बिंबसार। ठीक है, बिंबसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, महापद्मानंद। ठीक है, इसको भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। डेरियस फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपि यानी कि प्रांत बनाया, उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 360 टैलेंट। ठीक है, 360 टैलेंट।
निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, हेरोडोटस। हेरोडोटस ये सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। क्वेश्चन है आपके सामने, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। आंसर है श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन कहा जाता था, दोस्तों ध्यान रखिएगा। गृहपति का अर्थ है, क्वेश्चन है गृहपति का अर्थ है, सही आंसर है धनी किसान। ठीक है, गृहपति का मतलब क्या है? धनी किसान। देखिए यहाँ पर सूची एक और दो दी है, अब हमें यहाँ पर इनका संबंध बनाना है, कौन किससे संबंधित है। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए, आपको एक से दो क्वेश्चन तो याद होने ही होंगे यहाँ से, और जब सही लगा लेंगे तो पूरे याद हो जाएंगे। देखिए सही आंसर इसका ऑप्शन ए। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, यानी कि ये पहले से ही मैच है, बस आपको याद रखना है। देखिए अष्टकुलक, इसका संबंध है परामर्शदायी संस्था से। फिर है महामात्र, महामात्र का संबंध है उच्च कोटि के अधिकारी से। फिर है बलि साधक, इसका संबंध है किसानों से कर वसूल करने वाला अधिकारी है ये। फिर है सोलिक यानी कि शुल्काध्यक्ष, इसका संबंध है शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूली करने वाला ये अधिकारी है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसी से पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है और एसएससी में भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, अजातशत्रु। देखिए मैंने कहा रिपीट होता है, इसका मतलब है दोस्तों जब हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तब आपको प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति को ऐसा याद नहीं हो सकता भाई कि ये रेलवे में पूछा गया, ये एसएससी में पूछा गया, लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा है यूपीपीसी से पूछा गया है ये, और इसको मैंने रेलवे के प्रैक्टिस सेट में भी कई बार देखा है बुकों में, मेरा कहने का ये अर्थ होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिच्छवी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है 2008 में ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर सूची है, इसको पढ़ेंगे हम, महाजनपद हैं, उनकी राजधानियां हैं। देखिए महाजनपद हैं और राजधानियां हैं, वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए, एक दो तो आपको याद होंगी, यदि आपका आंसर सही निकला तो भाई सारी याद आपको यहाँ हो सकती है, यूपीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है ये। सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन बी, 54 का सही आंसर है ऑप्शन बी। चले मिलाते हैं, कुरु महाजनपद की राजधानी थी आपकी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इसके बाद है आपका पांचाल की जनपद की राजधानी थी आहिछित्र। फिर है कौशल महाजनपद की राजधानी थी साकेत। इसके बाद है बत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। क्या थी? कौशाम्बी। निम्न में कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसी से पूछा गया है, रेलवे के प्रैक्टिस सेट में बार बार देखने को मिलता है ये, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है। एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है जो कि 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये, ध्यान रखिएगा। सही आंसर इसका राजस्थान। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहां स्थित था? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले बितस्ता के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर है झेलम नदी को, एनडीए के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है।